असल स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम योर क्लास एलेवन मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6 तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 पॉइंट एक्सरसाइज सिक्स का क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जोमेट्रिक प्रोग्रेशन थ्री सिक्स ट्वेल्थ एंड सो ऑन अब इसका सोल्यूशन करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एंथ टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू एंटू आर द पावर एन माइनस वन और यहाँ पे ये जो आर है ये कॉमन रेशियो है एंड आर इज द रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू इट्स प्रेडिस और आर का फॉर्मूला होता है ए एन ओवर ए एन माइनस वन अब यहाँ पे हमारे पास ये जो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें देखा जा सकता है ए वन है थ्री के इक्वल अब हम फाइंड कर लेते हैं आर को आर को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सिक्स ओवर थ्री थ्री इंटू वन इज थ्री थ्री इंटू टू इज सिक्स दिस इज इक्वल टू टू और अब हमने फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए फाइव के साथ अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेस टू द पावर फाइव माइनस वन देन आ जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेस्टू द पावर फोर ए फाइव इज इक्वल टू ए वन की जगह आ जाएगा थ्री एंड आर की जगह आ जाएगा टू और टू के ऊपर पावर है फोर ए फाइव इज इक्वल टू थ्री टू रेस्टू द पावर फोर इज सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री इज फोर्टी एट तो हमारे पास ए फाइव आ जाएगा फोर्टी एट के इक्वल सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द इलेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस वन प्लस आयोटा टू फोर ओवर वन प्लस आयोटा सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास ए वन है वन प्लस आयोटा के इक्वल अब फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो को आर इज इक्वल टू आर को फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं हम इनको कंसीडर करेंगे हमारे पास आ जाएगा टू ओवर वन प्लस आयोटा अब हम टू ओवर वन प्लस आयोटा को वैल्यूएट कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू टू ओवर वन प्लस आयोटा टू ओवर वन प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे वन माइनस आयोटा के साथ देन हमारे पास आ जाएगा टू इंटू वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस आयोटा ओवर अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास है वन प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा वन स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस आयोटा ओवर वन स्क्वेयर इज वन माइनस वी नो दैट आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन तो यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा माइनस वन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टू इंटू वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस वन दिस इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस आयोटा

ए इलेवन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेश पावर इलेवन माइनस वन देन आ जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेश पावर टेन ए इलेवन इज इक्वल टू ए वन है वन प्लस आयोटा के इक्वल एंड आर इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा और वन माइनस आयोटा के ऊपर पावर आ जाएगी टेन देन हमारे पास आ जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा रेस्ट टू द पावर टेन कैन बी रिटर्न एज वन माइनस आयोटा होल स्क्वेयर रेश टू द पावर फाइव अब यहाँ पे ये जो वन माइनस आयोटा होल स्क्वेयर है ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में है एंड ए माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी तो यहाँ पे वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर को एवेलुएट कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस टू आयोटा दिस इज इक्वल टू वन आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन देन आ जाएगा माइनस टू आयोटा वन कैंसल आउट हो जाएगा माइनस वन के साथ सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा अब यहाँ पे वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस टू आयोटा तो एलेवन आ जाएगा वन प्लस आयोटा इंटू माइनस टू आयोटा रेशो द पावर फाइव ए इलेवन इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा देन आ जाएगा माइनस टू रेशो द पावर फाइव इंटू आयोटा रेशो द पावर फाइव ए इलेवन इज इक्वल टू माइनस टू रेशो द पावर फाइव इज माइनस थर्टी टू तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थर्टी टू इंटू वन प्लस आयोटा आयोटा रेस टू द पावर फाइव कैन बी रिटर्न एज आयोटा रेस टू द पावर फोर इंटू आयोटा वी नो दैट आयोटा रेस टू द पावर फोर इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे आयोटा रेस टू द पावर फोर की जगह आ जाएगा वन तो ए इलेवन आ जाएगा माइनस थर्टी टू आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा नेक्स्ट हम ये करेंगे आयोटा को वन प्लस आयोटा के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई ए इलेवन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू आयोटा इंटू वन इज आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वेयर ए इलेवन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन नेक्स्ट हम ये करते हैं ये जो माइनस है इसको भी आयोटा माइनस वन के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू थर्टी टू वन माइनस आयोटा सो फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ वन प्लस आयोटा टू आयोटा माइनस टू प्लस टू आयोटा एंड सो ऑन सोल्यूशन यहाँ पे ए वन है वन प्लस आयोटा के इक्वल एन इज इक्वल टू ट्वेल्व अब हम फाइंड कर लेते हैं आर को उसके लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर करते हैं आर इज इक्वल टू टू आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा अब हम टू आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा को वैल्यूएट कर लेते हैं आर इज इक्वल टू टू आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे तो वन माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टू आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू टू इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर ओवर वन माइनस आयोटा स्क्वेयर अब यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की जगह हम पुट कर देंगे माइनस वन तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू आयोटा माइनस इंटू माइनस वन ओवर वन माइनस इंटू माइनस वन दिस इज इक्वल टू टू इंटू आयोटा प्लस वन ओवर माइनस इंटू माइनस इज प्लस वन प्लस वन इज टू टू से टू हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा वन प्लस आयोटा तो आर यहाँ पे आ चुका है वन प्लस आयोटा के इक्वल ना वी विल यूज द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर द पावर एन माइनस वन तो हमारे पास आ जाएगा ए ट्वेल्व इज सिक्वल टू ए वन इंटू आर द पावर ट्वेल्व माइनस वन ए ट्वेल्व इज इक्वल टू ए वन इंटू आर द पावर इलेवन ए टू a1 is 1 plus iota and r is 1 plus iota और इसकी पावर है 11 अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो a12 आ जाएगा 1 plus iota raised to the power 12 a12 is equal to 1 plus iota raised to the power 12 can be written as 1 plus iota whole square raised to the power सिक्स अब यहाँ पे वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर जो है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो यहाँ पे हम वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं ये आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा दिस इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा माइनस वन देन आ जाएगा प्लस टू आयोटा दिस इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस टू आयोटा वन माइनस वन इज जीरो तो हमारे पास वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा टू आयोटा के इक्वल तो यहाँ पे वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे टू आयोटा तो ए ट्वेल्व हमारे पास आ जाएगा टू आयोटा टू द पावर सिक्स ए ट्वेल्व इज इक्वल टू टू रेशो द पावर सिक्स इन टू आयोटा रेशो द पावर सिक्स ए ट्वेल्व इज इक्वल टू टू रेशो द पावर सिक्स इज सिक्सटी फोर एंड आयोटा रेश द पावर सिक्स कैन बी रिटर्न एज आयोटा रेशो द पावर फोर इन टू आयोटा स्क्वेयर ए ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्सटी फोर वी नो दैट आयोटा रेशो द पावर फोर इज इक्वल टू वन एंड आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा रेशो द पावर फोर की जगह आ जाएगा वन एंड आयोटा स्क्वेयर की जगह आ जाएगा माइनस वन नेक्स्ट हमारे पास ए ट्वेल्व आ जाएगा माइनस सिक्सटी फोर के इक्वल सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द इलेवेंथ टर्म ऑफ़ द सीक्वेंस वन प्लस आयोटा टू टू इंटू वन माइनस आयोटा अब यहाँ पे ए वन है वन प्लस आयोटा के इक्वल एन इज इक्वल टू इलेवन अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन रेशियो आर आर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू वन माइनस आयोटा ओवर टू टू से टू हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा तो यहाँ पे आर आ चुका है वन माइनस आयोटा के इक्वल अब हम यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन को तो अब हमारे पास आ जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेस्ट टू द पावर इलेवन माइनस वन ए इलेवन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेस्ट टू द पावर टेन ए इलेवन इज इक्वल टू ए वन की जगह आ जाएगा वन प्लस आयोटा एंड आर की जगह आ जाएगा वन माइनस आयोटा और वन माइनस आयोटा की पावर है टेन ए इलेवन इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा रेश टू द पावर टेन कैन बी रिटर्न एज वन माइनस आयोटा होल स्क्वेयर रेस् टू द पावर फाइव वन माइनस आयोटा होल स्क्वेयर इज माइनस टू आयोटा ये रिजल्ट हमने क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड किया था तो यहाँ पे वन माइनस आयोटा होल स्क्वेयर की जगह पुट कर देंगे माइनस टू आयोटा को हमारे पास आ जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा into minus two iota raised to the power five. One minus iota whole square is equal to minus two iota. Then hemarpas a eleven ajaga one plus iota minus two iota raised to the power five is equal to minus thirty two into iota raised to the power five. a11 is equal to one plus iota into minus thirty two आयोटा रेस्ट टू द पावर फाइव कैन बी रिटर्न एज आटा रेस्ट टू द पावर फोर इन टू आयोटा देन हमारे पास आ जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू इंटू आयोटा इन टू वन प्लस आयोटा आयोटा रेस्ट टू द पावर फोर इज वन ए इलेवन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस आयोटा के साथ तो आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेर ए इलेवन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेर इज माइनस वन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन अब हमारे पास ये जो माइनस है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा माइनस वन के साथ तो ए इलेवन आ जाएगा थर्टी टू इंटू वन माइनस आयोटा सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव इफ एन ऑटोमोबिल डेप्रीश इन वैल्यूज़ फाइव परसेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ फोर ईयर्स वट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबील परचेज फॉर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंट अगर एक ऑटोमोबील की वैल्यू हर साल फाइव परसेंट गिर रही है तो चार साल के बाद उसी ऑटोमोबील की वैल्यू क्या होगी अगर उसे पहले साल में ट्वेल्व थाउजेंट का ख़रीदा गया है अब इसका सोल्यूशन करते हैं तो यहां पे हमारे पास ए वन है ट्वेल्व थाउजेंड के इक्वल अब फाइंड कर लेते हैं आर एक साल में जो ऑटोमोबाइल है उसकी वैल्यू गिर रही है फाइव परसेंट तो यहां पे आ जाएगा वन माइनस फाइव परसेंट दिस इज द कॉमन रेशियो वन परसेंट इज इक्वल टू वन ओवर हंड्रेड स फाइव परसेंट इज फाइव ओवर हंड्रेड तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस फाइव ओवर हंड्रेड दिस इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव देन हमारे पास आर आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव के इक्वल अब फाइंड कर लेते हैं एन को अब जो ऑटोमोबील है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है फिफ्थ ईयर में तो इसका मतलब ये है एन हो जाएगा फाइव के इक्वल

एंड आर की जगह आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव और इसकी पावर है फोर ए फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड जीरो पॉइंट नाइन फाइव रेस्ट टू पावर फोर इज जीरो पॉइंट एट वन फोर फाइव ए फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट एट वन फोर फाइव इज नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर रुपीज ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है तो यहां पे लिख लेते हैं है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस एक्स स्क्वायेर माइनस वाई x प्लस वाई एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई एंड सो ऑन इज एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस द पावर नाइन अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये जो टर्म है x प्लस ओवर x माइनस वाई रेश द पावर नाइन ये इस गिवन सीक्वेंस में कहां पे आ रही है तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे फाइंड करना है n को यहाँ पे a1 है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वायेर के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई इन एक्स माइनस वाई और यहाँ पे ए एन है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई रेशो द पावर नाइन आप फाइंड कर लेते हैं r को उसके लिए गिवन सीक्वेंस में ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनको हम कंसीडर कर लेते हैं r इज सिक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायेर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज टू एक्स प्लस वाई के साथ हो जाएगा कैंसिल और आर हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वाई के इक्वल यूज़ द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन तो हमारे पास यहाँ पे ए एन की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर नाइन एंड दिस इज इक्वल टू ए वन की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड आर की जगह आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वाई और इसकी पावर है एन माइनस वन अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड और राइट right साइड पे हमारे पास है एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के साथ हो जाएगा कैंसिल देन हमारे पास राइट right साइड पे ये जो एक्स माइनस वाई है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर नाइन इंटू एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन देन हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसमें देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वाई रेशो द पावर टेन एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वाई रेशो द पावर एन माइनस वन वन ओवर एक्स माइनस वाई रेशो द पावर टेन कैन बी रिटर्न एज वन ओवर एक्स माइनस वाई और इस होल की पावर ले लेंगे टेन एंड दिस इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वाई रेशुदा पावर एन माइनस वन अभी यहाँ पे दोनों साइड्स पे देखा जा सकता है बेस सेम है, तो इसका ये मतलब है पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा टेन इज इक्वल टू एन माइनस वन देन आ जाएगा टेन प्लस वन इज इक्वल टू एन टेन प्लस वन इज इलेवन तो हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू इलेवन सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 को क्वेश्चन नंबर सिक्स तक सॉल्व कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन से मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में